हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आपने इसरो एसडीसी यानी सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर के लिए फॉर्म फिल किया था और फाइनली इसके लिए कुछ बीच में भी एग्ज़ाम सेंटर बदले गए थे, तो एक बार फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्ज़ाम सेंटर आपको बदलना पड़ेगा। उसी के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से आपको एग्जाम सेंटर बदलना है और क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो नोटिफिकेशन है इसरो की तरफ से। डेट की बात करें तो 6/8/2021 यानी आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। इसमें बात करते हैं, आपने देखा होगा, आपने फॉर्म जो फिल किया था इसमें ड्राफ्टमैन के लिए 90 वैकेंसी थी और आपका साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 45 वैकेंसी थी और आपका असिस्टेंट इंजीनियर एसी के लिए 19 वैकेंसी थी और आपका लैब टेक्नीशियन के लिए इसमें आपका 12 वैकेंसी थी। इसमें आपने फॉर्म फिल किया गया है, फॉर्म फिल किया होगा और पहले इसके बीच में कुछ एग्जाम सेंटरों में परिवर्तन किया गया था। दोस्तों, पहले जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो सिर्फ 12 ही एग्ज़ाम सेंटर थे। कोरोना की वजह से 12 ही एग्ज़ाम सेंटर यानी कौन कौन से थे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, आपका चेन्नई, आपका गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली और आपका त्रिवेंद्रपुरम, यानी 12 ही सेंटर थे। और फिलहाल इस स्थिति में थोड़ा सुधार किया गया है और अब नए एग्जाम सेंटर 12 की जगह आपके अब 30 एग्जाम सेंटर इसमें कर दिए गए हैं, यानी 12 से बढ़ाकर अब 30 एग्जाम सेंटर इसमें आपके कर दिए गए हैं। तो आपको एक बार फिर अपना एग्जाम सेंटर दोबारा से इसमें परिवर्तन करना होगा। अब की बार जो एग्ज़ाम सेंटर या जो चुने गए हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी 12 से अब की बार 30 एग्जाम सेंटर यानी 30 जगह आपकी परीक्षा कराना संभव हो सका है। तो आपको एक बार फिर आपका एग्जाम सेंटर इसमें परिवर्तन करना होगा। तो दोस्तों, आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर जाना है, वहाँ पर आपको जाकर इसका एग्ज़ाम सेंटर आपको फिर आप अब की बार एक बार चेंज करना है। तो उसकी बात करें तो आपका 6 तारीख यानी आज 10 बजे से स्टार्ट हो गए हैं और दोस्तों आपको 20/8/2021 17 बजे तक आपको ये आपका ये जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको एक बार बदल देना है। इसी बीच के अंतर्गत आपको एग्ज़ाम सेंटर बदल एक बार फिर बता देता हूँ, 6/8 से लेकर 20/8 तक आप अपना एग्ज़ाम सेंटर इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसरो की तरफ से, यानी जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर की तरफ से, तो आपको एक बार अपना एग्ज़ाम सेंटर एक बार फिर आपको परिवर्तन करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस वीडियो लाते रहता हूं। और यदि आप नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।